ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कल हमने दूसरे श्लोक के कुछ भाग के ऊपर चर्चा की, अत्याहार और प्रयास। उसमें से कुछ प्रभुपाद के तात्पर्य में से पढ़ना रह गया था, वो थोड़ा पढ़ के फिर आगे चलेंगे। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। तो श्रील प्रभुपाद अभी कैसे सादा जीवन और उच्च विचार, जो श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले वाक्य लिखा था, उसको विस्तार से बता रहे हैं कि सादा जीवन अर्थात क्या। तो विशेष रूप से यहाँ पर अत्याहार से अर्थ है जिसमें कि अनावश्यक आवश्यकताएँ विशेष रूप से जो उद्यमों के द्वारा, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा सब होती हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। सादा जीवन अर्थात प्रकृति गोद में जिया हुआ जीवन, और फिर व्यक्तिगत रूप से अपने को, सबको हमें देखना है कि हम अपने स्तर के अनुसार और आगे बढ़ने के लिए और अधिक अनासक्त हों। इसलिए वो एक और सिद्धांत है, आज उसको हम देखेंगे, नियमाग्रह। तो जिस स्तर पे हम हैं हमें उससे आगे के स्तर के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम उसी स्तर बने रहें या नीचे के स्तर के नियमों का पालन करेंगे तो नियमाग्रह कहलाता है। तो इस दृष्टि से हमें अधिक से अधिक सादा जीवन हमारा हो सके जितना संभव उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि किसी के पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो तो ये प्रयास की फिर आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुमति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिच्छित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाईघर, वैश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। तो हम देख सकते हैं मुख्य रूप से यहाँ पर जो बात हो रही है, तो कैसे वो जो आधुनिक शहरी जीवन है वो प्रयास है या उग्र कर्म, अभी श्री प्रभुपाद उसको बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर अन्न और दूध, अभी फिर उसमें दूध को एक लीटर पिए, दो लीटर पिए, वो बड़ा विषय नहीं है, वो बड़ा विषय, वो अपने आंतरिक अवलोकन की बात है, वो सूक्ष्म विचार है, वो अपने व्यक्ति को उसको। लेकिन अगर सादा जीवन अर्थात स्थानीय, जो भी हमारे स्थान में स्थानीय प्रयासों से जो चीज़ उत्पन्न हो सके, जैसे श्री बाबा बोलते थे, कंज्यूम व्हाट यू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस व्हाट यू नीड, जो चीज़ आप उगा सकते हैं स्थानीय रूप में, जो आप उगा सकते हैं उसे ही केवल लें, और उगाए भी वही जो हमें आवश्यक है।
क्योंकि स्थानीय रूप में देशी शराब भी उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन वो हमारी आवश्यकता नहीं, इसलिए उसको नहीं लेना है। और कार फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कार जो है वो स्थानीय रूप से कभी भी उत्पादन उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जो स्टील और बहुत सारे कलपुर्जे और वो सब चीज़ चाहिए, उसका उत्पादन करना और उसका फिर विनियोग करना, वो स्थानीय रूप में नहीं होगा। उसके लिए आयात निर्यात और बहुत अलग अलग जगह से उसका जो रॉ मटेरियल, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, कच्चा माल उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जो बहुत अलग अलग जगह से आएगा, एक ही जगह पर सारा कच्चा माल नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार से उसका उत्पादन जो कारों का है उसमें इतना ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है टेक्नोलॉजी और सारे मशीनों के ऊपर, कि वो जो उत्पादन है तभी उर्दू में किफ़ायती, प्रॉफिटेबल, या हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, लाभदायक होगा। जब बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हो और बहुत बड़ी मात्रा में उसके लिए कार खरीदने वाले हों, यानी एक स्थान पर सबके सब उस कार के, जो भी एक फैक्ट्री में जो भी उत्पादन हो रहा है वो एक ही स्थानीय स्तर पे वो उसका उपभोग भी नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक बड़े बड़े मार्केट्स की ज़रूरत पड़ेगी, दूर दूर तक उसको ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब जो उद्यम है, इसलिए जो आधुनिक उद्यम है फैक्ट्रीज, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर विशेष रूप से लिख रहे हैं फैक्ट्रीज, तो वो विशेष रूप से अत्याहार को इंगित कर रहा है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको ध्यान से सुनिए। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करने, अधिक न खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि पिछड़े हुए, आप क्या, दुनिया आगे जा रही है, आप लोग पीछे जा रहे हैं, ऐसा कमेंट करते हैं कई बार। हम चांद पे पहुंच गए, डॉक्टर ने मुझे बोला, मैंने कहा इसमें कुछ तो मेडिकल स्किन में कुछ चीज होती ना जो नहीं खाने में, उसका जिलेटिन। मैंने कहा इसके बिना मिल सकता है क्या? हाँ। अभी क्या इतना सब पूछते, बहुत लंबी चर्चा हुई। तो उसने सरकार से कमेंट किया, दुनिया चांद पे पहुंच गए लोग, कहाँ पर चांद पर पहुंच गए, आप खूंखार जानवर बन गए, और अभी आपको जिलेटिन खाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, मांस खाने में कोई दिक्कत, खूंखार आदमी, मनुष्य से आप खूंखार जानवर बन गए, ये प्रगति हुई। चांद पर जाने का अनुसंगिक फल ये हुआ, मनुष्य से खूंखार जानवर बन गए। अगर गए तो केवल प्रयास करने से इतना हो गया, गए जाते तो क्या होता, रावण बन जाते, रावण भी। तो इसलिए आप देखिए, श्रीला प्रभुपाद भी इस बात से अवगत थे कि अगर हम ये प्रयास करेंगे सादा जीवन जीने का तो लोग ऐसा सोचेंगे। श्रीला प्रभुपाद इस बात से अवगत थे, फिर भी श्रीला प्रभुपाद ने सादा जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित किया। तो इसलिए अगर सामान्य समाज के लोग यदि हमें उलाहना देते हैं ऐसी, तो फिर उससे हमें विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्वाभाविक है। बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि हम जो है दूसरे क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, उससे उसको हम बहुत महत्व देते हैं। वास्तव में जो सही है हमारे लिए, हितकारी है, उससे भी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है दूसरे क्या कहेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम अपने लिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा दूसरे क्या कह रहे हैं उसको हम अधिक महत्व क्यों देते हैं? किस अनर्थ की वजह से ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि जब प्रतिष्ठा और लोभ उत्पन्न होता है तो व्यक्ति की मति पूरी मारी जाती है, और वो वास्तव में जो उसके लिए हितकारी है वो ही भूल जाता है, भौतिक दृष्टि से भी। इसलिए उसको अनर्थ कहते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी चीज़ को हम मूल्यवान समझ रखते हैं। तो हम जो यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, हमें ये पूरे जो संसार में सब लोग भौंकते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो सही है हम वो करेंगे,
और पूरी दुनिया वो कुछ भी सोचे, उससे हमें क्या मतलब है? हमारे आचार्य हमसे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, प्रभुपाद क्या सोचेंगे, वो महत्वपूर्ण है हमारे। अगर वो हमारे बारे में थोड़ा भी सोच पाए कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छा प्रयास किया, तो ये नित्य सफलता है, क्योंकि इससे नित्य लाभ होगा, कृष्ण संतुष्टि। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति गुतो। लेकिन मूर्ख लोग अगर हमें बहुत प्रशंसा करते हैं हमारी, तो हमारी बड़ी दुर्भाग्य है, तो हमें समझना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं यदि मूर्ख लोग हमारी प्रशंसा करें। तो इसलिए हमें बहुत स्ट्रांग बनना है, और अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से बहुत प्रबल बनाना है। महाराज बार 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 इस बात को ला रहे हैं, हम अलग हैं, हम अलग रहना चाहते हैं। जब हम लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, बोले अच्छा तो लाइट ले लीजिए, कनेक्शन तो मिल जाएगा वहाँ पर। वो तो हमको ही पता है कनेक्शन मिल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। क्या मोदी साहब भूल गए क्या? तो इसलिए जो भी हम कर रहे हैं उसको समझ करके कि हम क्यों कर रहे हैं, और बार बार हम लोग ये भूल जाएंगे, हमारे अंदर ऐसी वीकनेस हो सकती है कि हम बाबा भूल जाएं या हमारे अंदर शंका उत्पन्न होने लगे। लेकिन इसलिए श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। अगर ऐसे हम पढ़ते रहेंगे नियमित रूप से, तो हमें विश्वास हमारा बढ़ता रहेगा, जो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं वही कर रहे हैं। सफलता विफलता वो है ही नहीं, सफलता ही है। जो प्रभुपाद कह रहे हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब वो सफलता है। उसके आगे प्रकट रूप से सफलता हमारे जीवन में मिल जाए वो और बोनस है, लेकिन केवल मात्र श्री प्रभुपाद या गुरुजनों के बात का पालन करने के लिए प्रयास करना पूरे मन से, वही सफलता है जीवन की। फिर श्री प्रभुपाद आगे कहते हैं, सामान्यतया लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। ऊंचा जीवन निम्न विचार, ढोंग, आडंबर, आजकल का पूरा जीवन शैली आडंबर की है, दिखाना चाहते हैं सब, अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, चरित्र बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन बाहर से आडंबर है। इसलिए आज एयरपोर्ट और सभी जगह उन सब को बहुत चेकिंग करनी पड़ती है, यानी समाज में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन लोगों की भी चेकिंग करनी पड़ती है, यानी किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते। जो लोग इस तरह पहुंच गए उनका भी कोई भरोसा नहीं, पता नहीं वो लोग कैसे अंदर से खूंखार जानवर कितने बड़े हों, ऐसी परिस्थिति आ गई। जैसे ये श्रीलंका है, तो वहाँ पर साधुओं का बहुत सम्मान होता है, वहाँ पर ज़्यादातर साधु बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध। तो वहाँ पर एयरपोर्ट में जो साधु ये सेफ्रॉन कलर में होगा, उसको एयरपोर्ट में भी चेक नहीं करते अभी तक भी। ऐसा पॉसिबल है कहीं? हाँ, इंडिया में तो इट्स इम्पॉसिबल। एयरपोर्ट में कोई जाए और उसको चेकिंग के बिना अंदर जाने दें? अभी हम लोग देखते हैं वह बस स्टैंड में ऐसा करते हैं, बस स्टैंड में हम लोग जाते हैं तो चेक नहीं करते, लेकिन एक समय आएगा वो भी छोड़ेंगे नहीं। तो अभी श्रीलंका में जब बम विस्फोट हुआ, आपको तो पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था काफ़ी दिन तक, तो टेररिस्ट अटैक हुआ कुछ दिन पहले, तो चर्च के अंदर, 3-4 चर्च के अंदर बम विस्फोट हुआ, 200-300 लोग मारे गए। तो उस दिन से फिर उन्होंने साधुओं का चेकिंग करना शुरू कर दिया। हमारे ये श्री राम चरणामृत प्रभु वहाँ पर थे उस दिन, तो फिर वो आ रहे थे भारत, तो उनको भी फिर चेक किया, अदरवाइज श्रीलंका में अभी भी नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्यतः हम देख रहे हैं कि लोगों का जो चरित्र है सब गिरता जा रहा है ये आधुनिकीकरण के कारण। मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है, और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। आप देखिए श्री प्रभुपाद कैसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये जो समाज है उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, क्लियर कट उनको कुत्ता बिल्ली और जो हो सकता है सब कह रहे हैं। तो ये हमारा संदेश है समाज के प्रति कि आप लोग की सोसाइटी बकवास है, वी डोंट केयर फॉर इट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपका ये समाज जो है बेकार समाज। तो इसी तरह से हमें प्रचार करना चाहिए, महाराज हमको बाबा ऐसे बोलते हैं, स्पष्ट प्रचार करो, स्पष्ट बोलो। जिनको स्पष्ट सुनना है वो लोग आएंगे, जो गंभीर हैं वो लोग आएंगे, और जो लोग गंभीर नहीं है जीवन के प्रति, वो अच्छा है, आपके स्पष्ट बोलने से नहीं आएंगे तो अच्छा है,
आपको उनके ऊपर समय और शक्ति का को व्यय नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जैसे श्रील प्रभुपाद प्रचार किए वैसे ही होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत टैक्ट जैसे श्रील प्रभुपाद भी करते हैं तो वो हम करते हैं। टैक्ट मतलब युक्ति, कुछ युक्ति हम भी अपनाते हैं। जैसे कि हम किसी को ही मिलते हैं तो सबसे पहले हम नहीं बोलते हैं यू आर अ डॉग, यू आर अ रास्कल। लेकिन इन जनरल हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है। थोड़ी बहुत युक्ति हम लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से जो हमारा संदेश है, जो प्रभुपाद का जो तरीका है, वो बहुत स्पष्ट तरीका था, क्लियर कट। श्रीमद् भागवत 1:2:9 में श्री शूत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। तो अभी सादा जीवन उच्च विचार, तो कैसे ये वास्तविक मानव धर्म बताया गया है, सादा जीवन उच्च विचार, तो किन श्लोकों में बताया गया है? कई सारे श्लोक हैं, उसमें से ये कुछ श्लोक हैं। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मितः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो धर्म जो भी हमारी ऑक्यूपेशन है, धर्म का एक अर्थ है वृत्ति, क्योंकि वो वृत्ति जो है वो स्वभाव से आती है, और धर्म का दूसरा अर्थ है स्वभाव जनित गुण। तो इसलिए एक अर्थ है उसका वृत्ति। तो कंडीशन बद्ध अवस्था में जो हमारी वृत्ति जो हमारे बद्ध स्वभाव से उत्पन्न होती है उसको भी धर्म कहते हैं। तो इसलिए धर्मस्य या अपवर्गस्य, ये जो सामान्य वृत्तियां हैं इस भौतिक जगत के अंदर जो हम पालन करते हैं, उसका उद्देश्य अपवर्ग प्राप्ति होना चाहिए, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना होना चाहिए। अपवर्ग, पवर्ग और अपवर्ग, प फ ब भ म, है ना बलराम, क्या मतलब है प फ ब भ म? नहीं सुना कभी रक्षक? व्यर्थ मृत्यु, तो ये श्रृंखला है। प पहले लोग परिश्रम करते हैं, उससे घोड़े की तरह से मुंह में से फेम निकलता है, निकल हम देखा है। जगदीश वो बहुत पॉजिटिवली नोट कर रहे हैं, उनको काफ़ी अनुभव है लगता है। प प देन ब, तो ये सब प्रयास व्यर्थ होते हैं, और फिर भय होता है, इन सब चीज़ों से भय उत्पन्न होता है और अंत में मृत्यु आ जाती है, इसलिए इसको पवर्ग कहते हैं, जो भी भौतिकतावादी लोगों के प्रयास हैं। इसके विपरीत जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के प्रयास हैं उसको अपवर्ग कहते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि धर्म जो है उसका अनुशीलन अपवर्ग के मार्ग में होना चाहिए। नार्थ अर्थायोपकल्पते, अर्थ की प्राप्ति के लिए ही मात्र धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये सही बात है कि धर्म से अर्थ प्राप्ति होती है, अर्थ से भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, और फिर अंत में जब हम उसे सब निश्चेष्ट हो जाते हैं तो फिर हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म केवल अर्थ उतना जितना आवश्यक है उसकी प्राप्ति के लिए, वो आगे अगले श्लोक में बताया गया है। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण, ये प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण से नीचे क्या आता है? प्रथम के नीचे क्या आता है? मैथमेटिक्स, जीरो, करेक्ट। तो प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशों का पालन करना। तो जो लोग मनुष्य हैं और शास्त्रों के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं वो लोग जीरो, वो लोग मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के प्रथम चरण का पालन नहीं कर रहे हैं। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि का मूलभूत धर्म को मूलभूत धर्म समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ओके, फिर अभी इस श्लोक का क्या आगे अगला श्लोक कौन सा है? धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मितः। पता है किसी को रक्षक? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, नॉट इंद्रिय, नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। यानी कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, जो जीवन की जो इच्छाएँ हैं, हमारी जो इच्छाएँ हैं वो इंद्रिय भोग की तरफ संचालित नहीं होनी चाहिए, बल्कि किस तरफ संचालित होनी चाहिए? यावत जीवन, केवल जितना शरीर को टिकाए रखने के लिए जरूरी है उतना ही इंद्रिय भोग की कामना करनी चाहिए। कुछ इंद्रिय भोग आना आवश्यक है, ये हमने कल देखा था, कुछ इंद्रिय भोग आवश्यक है,
हम सभी जीवधारियों के लिए, हम सभी देहधारियों के लिए, लेकिन केवल उतना जितना ही शरीर को टिकाने के लिए उतना ही होना चाहिए। तो ये है सादा जीवन, जितना शरीर को टिकाने के लिए ज़रूरी है उतना। ओके। और जीव से तत्व जिज्ञासा, तो फिर क्या आएगा, फिर हम जीवन को तत्व जिज्ञासा के लिए उपयोग कर सकें। ये उच्च विचार, तत्व जिज्ञासा। तो सादा जीवन, उच्च विचार, लाभ हो जीवेत यावता, केवल सॉरी क्या है, कामस्य नेन्द्र प्रीति लाभ हो जीवेत यावता, केवल जीवन के लिए जितना जरूरी टिकाने के लिए उतना ही केवल उपयोग करना। और जीव से तत्व जिज्ञासा, जीवन जो है तत्व जिज्ञासा, तो यहाँ से ये आया शब्द सादा जीवन उच्च विचार। ओके। अभी आगे अगली जो प्रतिरोध है अगला भक्ति में जीवन में, उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो है प्रजल्प। तो पहला जो था अत्याहार प्रयास, वो कौन से वेग से प्रमुख रूप से उत्पन्न हुआ था, जो पहले श्लोक में 6 वेग थे, उदर वेग, जिह्वा वेग, यहाँ से ये उत्पन्न हुआ था। ये प्रजल्प कौन से वेग से उत्पन्न होता है, वाचो वेग। तो एक दूसरे से बात करना, उसको बोलते हैं जल्पना या प्रजल्प। तो ये सामान्य शब्द इस प्रकार से, जैसे कल बात आप पूछा था प्रयास, तो फिर कोई बोले हम भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो फिर तो गलत हो गया। तो शब्द के एक सामान्य अर्थ है, और एक किसी संदर्भ में जब हम उसकी बात करते हैं, तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर बात हो रही है, एक दूसरे से बात करना उसको जल्पना कहते हैं या प्रजल्प कहते हैं। बोले हाँ प्रजल्प, अभी किससे बात करना बंद कर दो। तो कॉन्टेक्स्ट में, तो कीर्तन, प्रार्थना करना, शास्त्रों को वांचन पढ़ना और सुनाना, वो सब जल्पना कहलाता है। यदि वो भक्ति के लिए अनुकूल भावना से किया जाए तो वो सही है, लेकिन यदि वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ऐसी कोई भी वार्ता, वो प्रजल्प कहलाती है। इस प्रजल्प के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भक्तिनाथ ठाकुर वर्णित करते हैं, उनमें से हम कुछ को देखेंगे। पहला है व्यर्थ की बात करना, ये एक प्रकार का प्रजल्प है, यूजलेस टॉक्स। दूसरा है आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, वाद आर्ग्यूमेंट्स, या इसको वितंड भी कह सकते हैं। फिर तीसरा है गॉसिप, गॉसिप मतलब दूसरे व्यक्ति के, तीसरे व्यक्ति के बारे में, दो लोग बात कर रहे हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, उसे कहते हैं गॉसिप। फिर अगला है दूसरों में त्रुटियां निकालना, फिर झूठ बोलना, फिर भक्तों की निंदा करना, और भौतिकतावादी वार्ताएं। ये सब अलग अलग कुछ प्रकार हैं, सामान्य प्रकार जिनमें प्रजल्प होता है। तो सबसे पहले व्यर्थ की बातें करना, तो भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि ये व्यर्थ की बातें करना भक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है। व्यर्थ की बातें करने की जगह हमें हरि के विषय में बात करनी चाहिए। तो भगवद गीता में इसके विषय में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो ये भगवान का निर्देश है कि जो भक्तगण हैं, वो उनका चित्त हमेशा मेरे में रहता है, उनके प्राण मुझ में रहते हैं, और वो हमेशा क्या करते हैं, बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को हमेशा मेरे विषय में बोध देते हैं, और कथयंतश्च माम नित्यम, कथा मेरी लीलाओं का आदान प्रदान गुणगान करते हैं आपस में, तुष्यंति च रमन्ति च, और इस प्रकार से हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और फिर भगवान अन्यत्र कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो सतत रूप से भगवान कह रहे हैं मेरा कीर्तन करना चाहिए सतत रूप से। तो अगर हम व्यर्थ की बातें करेंगे तो फिर सतत कीर्तन नहीं हो पाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगी।
तो इसलिए वो जो व्यर्थ की बातें हैं वो सतत कीर्तन करने के भगवान के निर्देश में का उल्लंघन करना है ना। तो न्यूज़पेपर्स और नॉवेल्स जो कर्मी लोगों के द्वारा रचा जाता है वो सब ये व्यर्थ की बातें करने में आता है। तो न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी अन्य चीज़ हम उतना ही केवल पढ़ सकते हैं जितना कि कृष्ण भावनामृत में उसकी आवश्यकता हो, जितना भगवान की सेवा में लग सकता है केवल उतना ही हम पढ़ सकते हैं, बाकी सब जो है वो व्यर्थ है। तो प्रभुपाद कई बार बोलते हैं और महाराज जी भक्ति विकास महाराज जी बोलते हैं कि कैसे आजकल सब लोग जो हैं बहुत सारा समय अपना ये ऐसे यूजलेस टॉक्स में बिता रहे हैं, व्यर्थ की बातों में, ये न्यूज़पेपर पढ़ने में और बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ने में। जिनको नॉवल पढ़ने का शौक होता है अपने घर जाएंगे तो फाइंड हंड्रेड्स ऑफ देम एक के बाद। हाँ, वो आधुनिक रूप है उसका, प्रजल्प का आधुनिक रूप है ये व्हाट्सएप। बहुत आसानी से हम प्रजल्प कर सकते हैं, पूरा दिन उसमें लगा सकते हैं, कैसे समय बीतता है वो पता भी नहीं लगेगा आपको, करेक्ट। सो लेकिन सब व्यर्थ है, क्योंकि अगर वो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं हो सकता है, व्हाट्सएप में हम लोग कृष्ण भावना संबंधित चीज़ें भी उपयोग करें तो फिर वो प्रजल्प नहीं है, लेकिन अगर उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है तो प्रजल्प है। फिर दूसरा प्रकार है प्रजल्प का, आर्ग्यूमेंट्स। तो न्याय शास्त्र में एक भाग है न्याय के अंतर्गत जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, तथ्य पर सच्चाई पर पहुंचने के लिए डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन को तकनीकी भाषा में कहते हैं बधा डिस्कशन, जिसमें दोनों पक्ष निष्कपट होकर के सत्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, रीजनिंग लॉजिक ये सब यूज़ कर रहे हैं, उसको डिस्कशन कहते हैं। लेकिन यदि दोनों पक्ष या कोई एक पक्ष केवल दूसरे को हराने के लिए बात रखे और उसके अंदर निष्कपट ये विचार नहीं है कि मुझे सत्य को जानना है, सत्य पहुंचना है, तो फिर वो वितंड कहलाता है। तो हमारे भक्तों में भी हम लोग इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं या रैंगलिंग, इंग्लिश में उसको रैंगलिंग बोलते हैं, तो वितंड नहीं, दैट इज़ कॉल्ड जल्पा, जल्पा, इसको जल्प बोलते हैं, कि एक पक्ष या दोनों पक्ष जो हैं वो सच्चाई को जानने में उनकी कोई रुचि नहीं है, उनकी मेन रुचि क्या है, दूसरे पक्ष को हराना है, ये उनका लक्ष्य है, सत्य को निर्धारित करना लक्ष्य नहीं है, वो उनका लक्ष्य नहीं, दूसरे को हराना है, तो जल्प हो जाएगा, तो प्रजल्प। तो हम देखते हैं कई बार इस प्रकार से हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम लोग बाद में डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर हमारे वो सच्चाई को समझने की बात एक तरफ रहती है, लेकिन अभी मुख्य रहता है कि कैसे अभी ये इन प्रकारेण दूसरे वाले को हराना है ना। तो ऐसे बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कई बार हम देखते हैं भक्तों में आपस में ये डिस्कशन जो है बड़ा मुश्किल चीज़ लगती है, इसलिए कई बार हम आपस में डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं, एक कई फोबिया बन जाता है, नाइटमेयर, कि जहाँ आपस में डिस्कशन शुरू किया तो वहाँ पर फिर एंड होगा लड़ाई और मन मुटाव के साथ, इसलिए नो डिस्कशंस, करेक्ट। लेकिन ये हमें सीखना होगा डिस्कशन करना, हेल्दी डिस्कशन या डिस्कशन करना सीखना होगा, क्योंकि जब भी हम लोग साथ में मिलकर के सेवा करेंगे तो आवश्यकता पड़ेगी विचार विमर्श करने की, डिस्कशन करने की। तो समस्या क्यों आती है, ये डिस्कशन जो है वो रैंगलिंग में क्यों बदल जाता है, क्या कारण होते हैं? ईगो। तो ईगो का मूल कारण मतलब कि हमें भगवान कृष्ण को, गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा हमारा कोई और एजेंडा बीच में आ गया, सत्य को शास्त्र के अनुसार जानने के अलावा हमारा कोई और एजेंडा आ गया है ना, या तो शास्त्र आधार ही नहीं है गुरु साधु शास्त्र, या तो गुरु साधु शास्त्र भी आधार रख रहे हैं लेकिन हमारी जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है,
उसमें वो गुरु और कृष्ण को संतुष्ट करने से ज़्यादा मेरी अपनी संतुष्टि, अहंकार की संतुष्टि इत्यादि वो बड़ी बन जाती है। उससे फिर हम फिर वो ये जल्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए जब भी नियमित रूप से अगर हम प्रार्थना करेंगे और कि जब भी कोई डिस्कशन में एंटर हो रहे हैं तो ओके कृष्णा, केवल आपकी संतुष्टि के लिए हम विचार विमर्श करेंगे, जानने के लिए कि वास्तव में आप कैसे संतुष्ट होते हैं। एक्चुअली अगर ये बात हमेशा हमारी चेतना में रहे कि कैसे गुरु और कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं तो सारे झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या तो यही है कि हमारी चेतना कृष्ण में नहीं रहती है, बहुत कम रह पाती है, बहुत सुपरफिशियली रह पाती है, वही सभी समस्याओं की जड़ है। बहुत सारे केस मैंने देखा कि दोनों गुरु कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करते हैं, मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उस प्रकार का है, मतलब उनका भी मोटिव वही है अल्टीमेटली, और इनका भी वही है। हाँ, वो भी संभव है, वही ज्यादा, लेकिन लेकिन वो क्या हो गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन फिर वो भी डिस्कशन ही कहलाएगा, फिर वो प्रजल्प नहीं कहलाएगा। जब तक मोटिवेशन प्योरली कृष्ण सेंटर्ड है तब तक वो भले ही वो हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएँ, सहमति पे नहीं पहुंच पाएँ, लेकिन वो रहेगा वो डिस्कशन, वो प्रजल्प नहीं कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर ये आ गया तो फिर वहाँ पर वो डिस्कशन ख़त्म हो गया। फिर दूसरा अपने साथ भी एक कुछ ऐसे हम पूर्वानुमान या शब्दों का अपना एक अर्थगठन इसे हम बना रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। यदि भी यदि उसको और थोड़ा सा फ्रेमिंग, क्योंकि कई लोग उनको फ्रेमिंग करना नहीं आता, दे जस्ट यू नो शेयर वर्ड्स बट दे फॉरगेट टू यू नो गिव द मीनिंग। It happens many times. It may be due to their innocence also, or just ignorance. They just don't know. जैसे बच्चों के साथ अक्सर होता है, उनको हम समझ जाते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन शब्द बहुत ही व्यर्थ के यूज़ करते हैं। तो इवन भक्तों में मैंने देखा कि हम कुछ कह रहे हैं उसका मर्म समझने के स्थान पर क्या कहना है, शब्द वो एक उसे एक पूरा अनुमान आ जाता है कि ये शब्द से तो यही हो सकता है, क्योंकि तर्क की अपने एक लीनियर डेफिनेशन है, लेकिन जो भाव है इट डज नॉट गो लाइक लीनियर, उसको एक्सप्रेस करने में टाइम लग सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने थोड़ा अनुभव किया, ठीक है, और पूर्वानुमान जो होता है शब्दों से हम लेते हैं जिसको एकदम लीनियर पकड़ते हैं, और कई बार नकारात्मक पूर्वानुमान भी हो जाते हैं प्रिजुडाइज, जैसे क्योंकि इसके पूर्व अनुभव से ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि इसमें पूर्व इसके साथ जिस चर्चा हुई थी तब इसने ऐसा ही कहा था, सो दैट मीन्स अभी उसके शायद सुधारने का कोई अवसर नहीं, यही ऐसा ही होगा, ऐसा ही सोच रहा हूँ। ऐसा इसमें अगर ऐसा है तो अगर निष्कपटता है तो फिर आर्ग्यूमेंट चलेगा, मतलब डिस्कशन चलेगा, लेकिन फिर वो चीज़ सुलझ जाएगी, उसकी सुलझने की संभावना बहुत अधिक है अगर निष्कपटता है दोनों तरफ से, तो वो एकदम से तुरंत इसलिए तो आदान प्रदान होगा नहीं, ऐसा नहीं आया फिर धीरे आएगा आप ये इसके क्या आपका आशय क्या है इससे, हाँ ये आशय है, तो वो फिर धीरे धीरे सुलझ जाएगी बात। लेकिन जहाँ पर निष्कपटता है तो वहाँ पर फिर वो सही दिशा में जाएगा ही नहीं डिस्कशन, तो ये हो सकता है जैसे, तो ये सब चीज़ हो सकती हैं, लेकिन अंततः वो रहेगा डिस्कशन ही अगर निष्कपटता है। हाँ, लेकिन वो पूरा ऐसे प्रजल का रूप ले लेता है कि ऐसे कोई निष्कर्ष आ ही नहीं रहा, और दोनों व्यक्ति प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन अपने अपने प्रकार से कर रहे हैं ये, लेकिन जहाँ कम्युनिकेशन में वो मेजर मिस हो रहा है कि सामने वाले के वो मर्म नहीं समझ रहे, एक पूर्व अनुमान लगा रहे उनके शब्दों से, मतलब थोड़ा सा बुद्धि का स्तर भी चाहिए, ऐसा नहीं कभी कोई डिस्कशन करने में अगर कोई व्यक्ति एक है वो तो मैं समझता हूँ कि एक सामान्य रूप से बुद्धि का स्तर होना चाहिए, कई बार मतलब क्या है कि जैसे अर्थघटन हम स्वयं प्रदान करते हैं और वो अपने अनुभव से अपना ऑब्जर्वेशन से, तो अगर निष्कपटता है तो फिर हम एक्सेप्ट ऐसा नहीं करेंगे ना, या फिर दूसरा हमको जब बताएगा तो हम इसको स्वीकार करेंगे ना। अगर हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं और दूसरे के समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर वो दिखाता है कि फिर हमारी कहीं गंभीरता निष्कपटता नहीं है, तो इसलिए अंततः वो
अगर निष्कपटता है तो वो ठीक हो सकती है, या वो व्यक्ति सीख सकता है कैसे आर्गुमेंट करना है या शब्दों का चयन कैसे करना है, धीरे सीख सकता है। चर्चा गर्म हो जाती है, चर्चा गर्म हो जाती है कई बार, अक्सर, हमेशा, लगभग। तो उसमें दोनों ही पक्ष को जो समझ है गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, दोनों सोचते हैं कि मेरा पक्ष गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। हाँ, दोनों ही पक्ष उसको अच्छे से रखना चाहते हैं। तो उसको प्रजल्प का नाम नहीं, इसलिए प्रजल्प डिफाइंड होगा अल्टीमेटली कि यदि उसमें कोई भी हमारा स्वार्थ और ईर्ष्या और ये बात आ गई है उसमें, कृष्ण संतुष्टि के अलावा कोई और विचार, तो फिर वो प्रजल्प कहलाएगा। नहीं तो आप एक दूसरे को मारेंगे और तो भी वो प्रजल्प नहीं कहलाएगा। ऑफकोर्स मारने तक तो शायद नहीं पहुंचेंगे भक्तगण, लेकिन यस, वो हीटेड हो सकता है, हीटेड हो सकता है, लेकिन वो हीटेड होने से उसका ये जरूरी नहीं कि वो अभी प्रजल्प बन गया। वो जब तक उद्देश्य अगर सत्य और कृष्ण की संतुष्टि है, तब तक वो सही है। क्या चेंज हो जाए? डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। दोनों पक्ष गुरु गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, लेकिन कभी कभी कोई पक्ष या दोनों पक्ष कभी सूक्ष्म रूप से भी ऐसा हो जाए कि उनका एम चेंज हो गया, हेतु था अभी कृष्ण संतुष्टि नहीं रहा, उनको पता भी नहीं है, वो ऐसा हो सकता है। हाँ, तो वो तो वही बात हो गई ना, जहाँ से भी कृष्ण संतुष्टि विचार बदला, जाने के अनजाने, अनजाना मतलब वो इतना तमोगुण में है कि उनको पता भी नहीं है, तो वो हो सकता है। बट एनी वे, वट एवर इट इज़, उसके लिए हम निर्दोष नहीं बन जाएंगे कि हमको तो पता ही नहीं लगा कि हम कब अलग हो गए। दैट इज़ ऑल्सो निष्कपटता। अगर आप कपटता, अगर निष्कपटता होती तो आपको पता लगता, भगवान आपको दिखाते। हो सकता है तुरंत नहीं पता लगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कुछ समय लग जाए, ये हो सकता है। फिर आगे भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं कि कोई भी जो आर्ग्यूमेंट है, यदि वो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के वास्तविक अर्थ के आधार पर नहीं हो, न्याय, वैशेषिका इत्यादि, वो सब तर्क वितर्क, वो भी सब प्रजल्प में आता है। जैसे कि महाभारत में कहा गया है, अचिंत्य खलु ये भावा न ताम्स तर्केन योजयेत। तो जो अचिंत्य खलु, जो अचिंत्य चीज़ें हैं, उसको केवल तर्क से नहीं जान सकते। शास्त्र के आधार पर तर्क करना वो अनुमोदित है, लेकिन शास्त्र के मर्म के बिना तर्क करना, उससे हम कभी भी परम सत्य को तक नहीं पहुँच सकते हैं। फिर तर्का प्रतिष्ठात, ये ब्रह्मसूत्र है कि परम सत्य केवल तर्क से स्थापित नहीं किया जा सकता है, वो रिवील होता है, भगवान के द्वारा प्रकाशित होता है। फिर उसी प्रकार से कठोपनिषद में कहा गया है, नैषा तर्केन मतिर आपनेय। तर्क के द्वारा वो जो मति है जिससे भगवान को समझा जाए, वो नहीं मिलती है। तो जो शास्त्रों के आधार पर आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो प्रजल्प नहीं कहलाते हैं। तो उसको जैसे कि चैतन्य आप लोगों ने बताया, अतैव भागवत करह विचार, वो भागवत विचार कहलाता है। विचार है, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी भागवतम, भागवतम में क्या कहा है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, उसमें विचार आता है, ऐसा है कैसा है। तो आप देखिए, जैसे कि पूरा ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो जो उसकी व्याख्या है, वो पूरी तर्क उसमें है, लॉजिक है, रीजनिंग है, लेकिन उसका आधार जो है वो परम सत्य को शास्त्र के अनुसार उसको स्थापित करना है, इसलिए वो प्रजल्प नहीं है। इस विषय में एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है, सार्वभौम भट्टाचार्य, तो वो कह रहे हैं उन लोगों के विषय में जो लोग ये शुष्क तर्क करते हैं, मायावादी या अन्य लोग जो तर्क करते हैं शास्त्र के मर्म के बिना, उसके विषय में कह रहे हैं, तार्किक श्रृगाल संगे भीव भीव करी सेई मुखे एबे सदा कही कृष्ण हरि। अपने बारे में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने से पहले मैं ये तार्किक श्रृंगाल मतलब सियाल, जैकल्स, मैं उनकी तरह उनके संग में भीव भीव करता था।
उसकी आवाज़ व्यू व्यू, और अभी उसी मुख से मैं सदा कृष्ण हरि बोलता हूँ। तो मतलब पहले मैं ऐसे तार्किक श्रृंगाल था और व्यू व्यू श्रृगाल श्रृगाल सॉरी श्रृगाल था, और अभी मैं हरि का नाम लेता हूँ। फिर उसी प्रकार से वाराणसी के सन्यासी, तो उनके विषय में कहा गया है, परमार्थ विचार गेल करी मात्रवाद, कहान मुक्ति पाव कहान कृष्णेर प्रसाद। कि जो सभी मायावादी फिलोसोफर्स थे तो उन्हें कृष्ण कृपा की कोई पड़ी नहीं थी, वो केवल वाद प्रस्तुत करते थे, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स, नास्तिकवाद इत्यादि, जिनका वास्तविक आध्यात्मिक विषयों से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए निचोड़ ये है कि जब तक हमारे जो तर्क वितर्क इत्यादि अहंकार इंद्रिय भोग की सभी कामनाएं या मूर्खता या इस सब से कलुषित नहीं होंगे, तब तक वो सब प्रजल्प कहलाएंगे। और एक और प्रजल्प का कारण होता है झगड़ालू स्वभाव, जो लोग झगड़ालू होते हैं वो भी प्रजल्प करते हैं। झगड़ा करने के लिए प्रजल्प जरूरी है, झगड़ा करना है उनको, उनकी नेचर ही है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झगड़ा मोल लेना है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का प्रजल्प हुआ, दूसरी प्रकार का ये अभी जल मतलब यूजलेस टॉक्स और आर्ग्यूमेंट्स। फिर है उसके बाद गॉसिप, गॉसिप मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना, दो लोग मिलकर के तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत कॉमन है ये भी, है ना, माताओं के बीच में विशेष कॉमन है। हाँ खाली बात करना, हाँ गॉसिप तो उसी को कहते हैं। ऐसी बात कर सकते हेल्प करने के लिए उसको, हाँ तो वो अभी आगे आएगा ना, उसकी गॉसिप शब्द वो है अभी यूजलेस है। ये सब चीज़ें, अच्छा मैं आगे इसमें आएगा अपने आप। तो ये भक्तिवेन ठाकुर कहते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है भक्ति के लिए, विशेष रूप से इसके बारे में बताते हैं, एक्सट्रीमली एडवर्स, भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कारण क्या क्या होते हैं इसके गॉसिप करने के, गॉसिप को हिंदी में क्या बोलेंगे, गपशप, करेक्ट, लेकिन वो हिंदी का उर्दू है, ग्राम में कथा, ग्राम में कथा। तो उसके कारण बताते हैं, एक तो ईर्ष्या, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा है अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना, इस कारण से हम दूसरे लोगों का वर्णन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनका बुरा बोलते हैं इत्यादि इत्यादि। तो अब इसमें जो गृहस्थ हैं और जो वैरागी भक्त हैं उनके लिए अलग अलग रूल्स हैं। जो वैरागी भक्त हैं उनके लिए अन्य लोगों के बारे में बात करना बिल्कुल वर्जित है, उनको अन्य लोगों के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ हैं वो पूरी तरह से इसको नहीं छोड़ सकते हैं, जो आप कह रहे थे करेक्ट। तो उनको घर बार चलाने में, जीविकोपार्जन करने में तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ती ही है। लेकिन भक्तिवेन ठाकुर कहते हैं तो फिर वो कैसे बचें ग्राम्य कथा से? तो अगर वो कृष्ण भावनामृत परिवार में रहेंगे या समाज में रहेंगे, जिसकी वजह से उनकी जितनी भौतिक क्रियाएं हैं वो सभी कृष्ण से संबंधित होंगी, तो अवश्यम भावी जो उनको दूसरे के विषय में बात करना पड़ता है वो बातें भी अपराध रहित पाप रहित होंगी और भक्ति सेवा का एक अंग बनेंगी। तो ये महत्व है कृष्ण भक्तों के समुदाय में रहने का, तो फिर हमारी सारी क्रियाएं कृष्ण से संबंधित हो जाती हैं, और फिर जो आवश्यक एक दूसरे के बारे में बात करना है वो फिर कृष्ण से संबंधित हो जाता है। इसलिए हम ये ग्राम में कथा से बच सकते हैं। हाँ अभी कम्युनिटी के अंदर रह करके भी हम इसका दुरुपयोग करके और ये प्रजल्प और ये ग्राम में कथा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम केवल जितना एक गृहस्थ भक्त को उसके गृहस्थी के कार्य और पूरा गृहस्थी को वह कृष्ण केंद्रित बना रहा है, तो फिर उस संबंध में ऑटोमेटिकली जो भी दूसरे के बारे में बात होगी वो कृष्ण से संबंधित ही होगी,
इसलिए वो पाप रहित होगी और वो सेवा का एक अंग बन जाएगा। तो इसलिए वो बताते हैं भक्तिवेद ठाकुर कि गृहस्थ भक्तों को इस प्रकार से कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो किसी के लिए नुकसानदायक हो। तो अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो ये एक विचार रहे कि ये जो मैं इस समय बात कर रहा हूँ वो किसी के लिए नुकसानदायक तो नहीं, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ क्या उसके लिए ये कुछ उसकी कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए सहायक होगी, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसके लिए सहायक होगी या कोई और सुन रहा है तो उसके लिए सहायक होगी या नहीं होगी। अगर नहीं है किसी के बारे में कोई कोई कुछ किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है उसको मत कीजिए, करेक्ट। तो बहुत सारी ये सब व्यर्थ की बातें ख़त्म हो जाएंगी। फिर दूसरों के बारे में केवल कम से कम जितना बिल्कुल ज़रूरी है उतना ही दूसरों के बारे में बात की जाए, और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें बताई भक्तिवेद ठाकुर ने कि जब गुरु अपने शिष्य को निर्देश देते हैं या कोई भी अध्यापक शिष्यों को निर्देश दे रहे हैं तो किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी होता है किसी और व्यक्ति के बारे में बोलना, दूसरे व्यक्तियों का उदाहरण लेकर के समझाना। इसलिए वो चीज़ आवश्यक है और हितकर है। जैसे कि भागवतम में कितनी चर्चा आती हैं कि सुखदेव गोस्वामी बहुत लोगों के भौतिकतावादी लोगों के बारे में बोल रहे हैं, निद्रया रियते नक्तम विवाये न चवावया दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तो भौतिकतावादी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अगर सोचें कि ओ ये तो गॉसिप हो गई, है ना। कई बार हम जब प्रवचन करते हैं तो ऐसे लोग बोलते हैं आप दूसरे के बारे में क्यों बोल रहे हैं, आप बस केवल भगवान के बारे में गुणगान करें। लेकिन कई बार भगवान के बारे में गुणगान करने के लिए किसी विषय को समझाने के लिए आवश्यक पड़ता है उदाहरण लेकर के समझाना किसी व्यक्ति का। तो वो अगर उसका हेतु निर्देशन देना है तो फिर वो गॉसिप के अंदर, ग्राम्य कथा के अंदर नहीं गिना जाएगा, बल्कि ये बहुत लाभकारी है। लेकिन जो भी लोग दूसरे के विषय में बात करते हैं ईर्ष्यावश, द्वेषवश, अहंकारवश, वो सब भक्ति देवी के चरणों में अपराध करते हैं, ऐसा भक्ति मठौल कहते हैं। तो हमारी कम्युनिटी में भी ये बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अगर वो व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित नहीं है हमारे सामने उसके विषय में बात कर रहे हैं तो ये सब विचार कर लें कि क्या इसको बात करने से किसी का कृष्ण भक्ति में लाभ होने वाला है। अगर नहीं है तो चुप रहिए, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। फिर अगला प्रकार है प्रजल्प का, फॉल्ट फाइंडिंग, यानी दूसरे के दोषों को निकालना। तो ये भी बहुत बड़ा विषय है दूसरे के दोषों को निकालना। तो इसमें भी सही प्रकार से भी ढूंढना, यस, या फॉल्ट फाइंड, ढूंढना, करेक्ट, ये सही बात है। ढूंढना मतलब इसे ये दिखा रहा है कि हमारी प्रवृत्ति है, हम कोई और हेतु है, हमारा हेतु जो है व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में उसकी मदद हो ऐसा नहीं है। लेकिन ईर्ष्यावश, द्वेषवश, हम कहीं ना कहीं ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उसके कुछ दुर्गुण हमको मिल जाए। जैसे मैं अभी वहाँ पादयात्रा में पुस्तक वितरण कर रहा था तो दो लोग बैठे थे एक ऑफिस में, तो पुस्तक वितरण मैंने पुस्तक दिखाई उसको, तो उसने बोला ये चप्पल पहन करके पुस्तक वितरण क्यों कर रहे हैं, भगवद गीता आपने चप्पल पहनी हुई है, आप भगवद गीता को हाथ में दे रहे हैं। मतलब उसको इतना सारा रथ जा रहा है, इतने एंडेवर हो रहा है, इतना सब हो रहा है, उसको वो सब कुछ नहीं दिखा, उसे केवल यही चीज़ दिखी कि चप्पल क्यों पहने हुए हैं आप। मतलब गर्मी थी ऐसी, वो सब उसने कोई कंसिडर नहीं किया, ये सब जो कहा है वो कुछ कंसिडर नहीं किया, उसकी यही आपत्ति थी कि आपने चप्पल क्यों पहनी हुई। तो ऐसे लोग मिलते हैं। सही बात है कि ठीक है भगवद गीता है तो आदर्श रूप में तो चप्पल नहीं हो तो अच्छा है,
लेकिन उस व्यक्ति की वृत्ति क्या थी, आप ये देखिए, बात भले ही वो सही है लेकिन उसकी वृत्ति क्या झलक रही है, वो ढूंढ ही रहा है कहीं ना कहीं से इसका कुछ निकालूं गलत है। तो उसको ये निकाला उसने, इसको ये फॉल्ट फाइंडिंग ये एग्जांपल है। तो कुछ अच्छा है वो अच्छा देखने का प्रयास ही नहीं है बिल्कुल, कहीं ना कहीं से बुरा मिल जाए और उसका मैं फिर लाउड स्पीकर पे उसको लगा दूँ, मैं उसका पूरा प्रचार करूँ सब जगह बता करके, तो इसको फॉल्ट फाइंडिंग कहते हैं। दूसरी तरफ यदि ईर्ष्या द्वेष के बिना व्यक्ति के लाभ के लिए या सामूहिक लाभ के लिए सही और गलत का में भेद करना कृष्ण भावनामृत में प्रगति के उद्देश्य से, तो वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कहलाएगा। तो इसमें कई सारे सूक्ष्म विषय हैं। एक है कुछ ये जो सामान्य रूप से हम सावधान रह सकते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा के प्रति गंभीर हैं, सामान्य रूप से हम उनकी क्रियाओं को देख करके देख रहे हैं कि जनरली बहुत सिंसियर हैं, उनके विषय में कोई गलती निकालना तो संभव है कि आपके अंदर ये फॉल्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम की वजह से आप वो निकाल रहे हैं। जो इन जनरल थोरली सिंसियर हैं, जैसे हम लेकिन उनमें हम लोग कुछ दिखा रहे हैं तो संभावना है कि हमारे अंदर वो हम अच्छा देखने की जगह बस पकड़ने के बैठे हुए हैं। तो इसलिए विशेष रूप से जो भक्त गंभीर हैं, जो इन जनरल बहुत सिंसियर हैं, उनके बारे में कुछ गलती देखना या तो उसमें सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से जो हम देख रहे हैं उनके लक्षणों से कि वो प्रगत हैं, भगवान की सेवा बहुत निष्ठावान हैं, बहुत गंभीर हैं, तो उनके बारे में कुछ सोचना करना उससे उसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि उसके अपराध अलग अलग प्रकार से हैं। एक सामान्य व्यक्ति और एक भक्त और एक ऐसा भक्त जो बढ़ा चढ़ा है भक्ति में। फिर तो जनरली अगर हमें दिख रहा है कि हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है उससे एक दूसरे व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति बढ़ी चढ़ी है, अगर हम भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं और सुन रहे हैं शास्त्रों से, तो हम समझ सकते हैं कि भक्ति में प्रगत होने के लक्षण क्या हैं, है ना। तो फिर वो लक्षण देख करके यदि क्लियरली हमसे कोई काफ़ी एडवांस्ड है तो सावधानी से विचार करना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो यथार्थ है, उसको अन्य वरिष्ठ भक्तों से भी कंफर्म करना चाहिए, केवल मेरा अपना विचार है उसको लेकर के केवल निष्कर्ष पे नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि संभावना है कि मेरी अपनी कनिष्ठा के कारण मैं वो ऐसा देख रहा हूँ, ये सच्चाई नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति किसी का फॉल्ट निकाल रहा है तो उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं ओवरऑल इस सिचुएशन में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। फॉल्ट फाइंडिंग या जो ये जो चीज़ें हैं ये कब होती हैं, जब व्यक्ति खुद कुछ नहीं करता है और केवल दोष ही निकालता है। ये एक स्वभाव है ऐसे लोगों का जो फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं। तो आप देखें कुछ लोग, उनको सबकी गलती पता है, ये गलती, ये गलती, वो गलती, ये गलती, वो गलती, सबकी गलतियाँ पता है। आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो सिचुएशन में, क्या आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, नथिंग। दिस इज टिपिकल फॉल्ट फाइंडर। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रिसेंटली हमें पता नहीं इसको यहाँ बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्या करें, कुछ समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेके बताना पड़ता है तो उससे बता रहा हूँ। तो अभी कुछ एक फोरम में कहीं पर पोस्ट हुआ कि भक्ति विकास महाराज ने एक लेक्चर दिया है, मैसेज टू द फ्यूचर लीडर्स, एक महाराज का लेक्चर आ गया है भावी नेताओं को, कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत नेताओं को संदेश। तो उसमें महाराज ने बताया कई चीज़ें, तो उसमें एक ऐसा ही बताया कि वर्तमान इस्कॉन के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ,
इत्यादि इत्यादि महाराज ने ऐसे काफ़ी चीज़ बताई। तो उसमें एक महाराज के लेक्चर को काट के, अलग अलग जगह पे काट के और उसको एक वीडियो बना करके एक पोस्ट किया गया, और ये दिखाया गया कि महाराज जो हैं वो ऐसे ऐसे वो बस फॉल्ट फाइंडिंग। तो फिर जब ये डिस्कशन चल रहा था तो महाराज ने बताया कि सो अभी लग सकता है कि हाँ देखो यहाँ पर दोष निकाल रहे हैं ना महाराज, दोष ढूंढ रहे हैं, तो ये फॉल्ट फाइंडिंग है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि जो व्यक्ति ये फॉल्ट निकाल रहा है, इस्कॉन या कोई भी हो रहा है, वो खुद इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कर रहा है? तो आप उनका कंट्रीब्यूशन देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए। तो अगर कंट्रीब्यूशन है, डेडिकेशन है, तो फिर आप उसे आराम से ऐसे नहीं बोल सकते ये फॉल्ट फाइंडिंग है। फॉल्ट फाइंडिंग का एक कॉरेस्पॉन्डिंग या एकम्पनिंग नेचर, साथ में जो एक दुर्गुण होता है, वो होता है कि वो खुद कुछ नहीं करता है, उसका खुद कोई योगदान नहीं होता है, तब वो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर कहलाती है। खुद कुछ नहीं करना है, बस बुराइयाँ निकालना है, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो ऐसे क्यों नहीं हुआ, खुद कुछ करने को तैयार नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद खूब कर रहा है, उसको सुधारने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अगर दोष निकालेगा तो वो उसके भले के लिए निकालेगा, उस सिचुएशन के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के भले के लिए निकालेगा, और वो ज़रूरी भी है। इसलिए भेद करने में और फॉल्ट फाइंडिंग में डिफ्रेंशिएट करने के लिए सही भावना से भेद करना, सही और गलत में, और गलत भावना से भेद करना, फॉल्ट निकालना, उसमें ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। उद्देश्य सही होने पर भी वो कई बार तरीका का जो चयन होता है वो शायद उतना युक्त नहीं होता है, जिसके कारण मतलब सामने वाले व्यक्ति उसको, क्योंकि सभी की अपनी कंडीशनिंग होती है, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो जैसे मान लीजिए कोई इशू दिख रहा है, लेकिन यदि हम कहाँ से कैसे एड्रेस करें जिससे कि मतलब प्रॉपरली वो इश्यू एड्रेस हो, इसी स्थान पर यदि हम कोई व्यक्ति जिसको मतलब हमको नहीं शेयर करना चाहिए हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उद्देश्य शायद उसमें हो सकता है कि किसी का भला हो, लेकिन देन इट जस्ट गोज वाइड एंड पूरा उत्पन्न ऐसी होती है कि। तो एक बड़ा विचार रखा जाता है कि कई बार की आपने बात जो की वो सही की, लेकिन सही तरीके से नहीं की, और आजकल इसको बहुत विशेष जोड़ दिया जाता है प्रेजेंटेशन सही नहीं था। तो वास्तव में जो गंभीर भक्त हैं वो प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना उनको भार नहीं देना चाहिए, अगर जो बात कही गई वो सही है तो वो स्वीकार करनी चाहिए। जैसे एक प्रवचन में, यहीं पर मैं प्रवचन दे रहा था, तो एक भक्त जो है चश्मे की डंडी को मुँह में डाले हुए थे, तो मैंने उनको कक्षा में बोल दिया कि प्रभु ये आप ऐसा मत कीजिए, ये पूरा कंटेमिनेट हो रहा है। तो उनको ये बात इतनी बुरी लग गई, और उनके साथ भी जो आए थे उनको इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया यहाँ से जाने के बाद। क्या क्या नहीं किया उसके बाद, बहुत कुछ, अभी तक दो साल हो गया उसको, अभी तक भी उनके मन में था। अभी मुझे मिले कुछ दिन पहले तो मुझे अलग से बुलाया, बोले वो मैं आया था ना तब कुछ लोगों के साथ में, आपने ऐसा किया था, मैं अभी तक भी मुझे हर्ट है। मतलब ये बात जो है वो सही है कि गलत है उस पे उनका ध्यान नहीं गया, बोले मुझे सबके सामने आपने क्यों कह दिया। तो देखिए ये विचार क्या है, अगर कोई गंभीर होगा तो उसको तो हर्ष होगा ना कि मुझे आज एक सही बात पता लगी, एक गलती पता लगी मुझे अपनी, है ना, उसको ये प्रमुख लगेगा। नहीं तो उसको, उनको प्रमुख क्या लगा, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तो फिर ये क्या वास्तविक कृष्ण भक्ति का गुण है कि हम बेइज्जती और मान सम्मान वो हमारे ज़्यादा प्रमुख है, सही और गलत वो सेकेंडरी है। तो व्यक्तिगत रूप से हमें ये बात ध्यान रखनी नहीं चाहिए कि दूसरे ने कैसे प्रेजेंट किया। अरे मेरी बुराई है तो उसको लाउड स्पीकर तेज वॉल्यूम में रख करके उसको नारे लगाओ सब जगह, हमें ऐसा सोचना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए अरे तुम चुपके से बोलते, मुझे आके बोल देते, सबके सामने क्यों बोल दिया। हमें ऐसा सोचिए अच्छा है सबको बोलो, जिससे कि मैं ज़्यादा आसानी से, मेरे पर प्रेशर पड़ेगा, मैं शुद्ध हो सकूँगा, है ना। और जब हमें कुछ करना है तो हम ठीक है, फिर व्यक्ति कंडीशनिंग को देखकर जितना हो सके उतना ध्यान रख सकते हैं।
तो एक इसलिए कि मतलब कोई व्यक्ति उसको पॉजिटिवली ग्रहण कर रहा है, एक ऐसा है कि कई बार जो हमने उद्देश्य से होने पर भी हमारे ऑब्जर्वेशन में भी इसी कारण मतलब जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है और जो इन जनरल जो वो तो फिर ये बात हो गई कि हमारा जो बात थी वो गलत थी, वो मतलब हम सही निष्कर्ष पे नहीं आ पाए, नहीं आ पाए, लेकिन इसके कारण मतलब क्या कि वो प्रेजेंटेशन मतलब उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस प्रकार के प्रेजेंटेशन के मतलब जिसमें हम बेनिफिट और डाउट देख के मतलब प्रॉपरली उसको इश्यू को प्रॉपरली एड्रेस हो और नाप तोल के, इंस्टेड ऑफ जैसे मेरे एक विजन से मैंने उसको देखा है और मुझे मतलब आई डोंट नो द सिस्टम किस प्रकार से प्रोसेस से मुझे जाना चाहिए कैसे हो, वास्तव में वो जज होगा अच्छी तरह से क्योंकि अपने ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशन, वो तो अलग बात होगी, वो तो एक चीज़ को सही रूप से गलत और सही में पहचान करना कैसे करें। जो एग्जांपल आपने दिया इस लाइक ब्लैक एंड वाइट कि ये दिस रॉन्ग, इसमें ऐसा कुछ है कि मुंह में डाला नहीं, मैं खरीदा किया था या हवा में रखा था, दैट्स नथिंग, इट वाज इन द इनसाइड द माउथ इट्स रॉन्ग, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब जो विद इन कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट वो फिर एक अलग विषय हो गया कि हम कोई भी चीज़ को निष्कर्ष पे आने से पहले कैसे हम सावधानी से निष्कर्ष पे आएँ, जल्दी से बिना पर्याप्त उस विषय में विचार किए बिना, अलग अलग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर विचार किए बिना, वो एक और अलग महत्वपूर्ण विषय है, पर ये भी महत्वपूर्ण विषय है, पर ये अलग विषय है, वो है कि कैसे सही और गलत का निर्णय कैसे करें, किस आधार पर करें। एक एंगल से देखने के क्या हमारी कंडीशनिंग बहुत घातक होती है, वी आर ऑलवेज थिंक टॉकिंग और थिंकिंग इन वन वे, जो मैं अपने निजी जीवन में अनुभव किया है। हाँ, ये है। इसके बाद में फिर होता है वो इतना बड़ा इशू नहीं था, थोड़ा सा जब ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सबसे निजुल से बात करते हैं इतना नहीं होता, इसलिए ये अनलिमिटेड है ये फील्ड, हम कोई भी पुस्तकों में निश्चित शब्दों के अंदर ये सब नियमों को नहीं कर सकते, ये कुंजी एक ही है, हम जितना सिंसियर हैं उतना ही हम हर समय हर चीज़ को सही प्रकार से करेंगे, और जहाँ वो कमी है उतना कितना भी आप बुक पढ़ लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, समझ लीजिए, वो काम नहीं करेंगे, तो अंततः ये कुंजी है, बाकी जो सब हैं वो कुछ हद तक मार्गदर्शन देने के लिए हैं। वही मैंने बात बताई थी। यस, ठीक है, अभी समय हो गया। फॉल्ट फाइंडिंग का तो पहले एक मूल कारण कुछ है ना, फॉल्ट फाइंडिंग तो एक बीमारी है, तो उसका तो पहले एक मूल कारण है अनर्थ, तो वो अनर्थ है जनरली ईर्ष्या द्वेष, और उनसे इन टर्न वो और बढ़ेगा, वो दूसरी बात है, वो उसको फर्दर बढ़ाएगी। ओके, तो इसको थोड़ा दो मिनट में मैं समाप्त करता हूँ केवल ये प्रजल्प वाले भाग को। अगला है वर्ल्डली टॉक, मतलब सांसारिक बातें, तो विशेष रूप से यहाँ पर जो लोग वैरागी भक्त हैं उनके तो ये सांसारिक बातें का कोई स्थान नहीं है, जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए केवल जो मिनिमम कृष्ण भक्ति के लिए अनुशीलन करने के लिए जगत में जो जरूरी है उतना वो करें। फिर अगला प्रकार का जो प्रजल्प है और बड़ा बहुत बड़ा प्रजल्प है यदि, वो है साधु निंदा, तो फॉल्ट फाइंडिंग फिर साधु निंदा ये रिलेटेड चीज़ें हैं कुछ हद तक, तो इसमें हम देख सकते हैं भक्तिवेदांत ठाकुर लिखते हैं कि इतना बड़ा अशुभ है कि हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं इस जीवन में कभी भी साधु निंदा नहीं करूँगा। प्रजापति दक्ष ने निंदा की एक महान साधु की, शिव जी की, और उसकी वजह से उनका फिर क्या हुआ। उसी प्रकार से भागवतम में बताया है आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हन्ति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रमः। रक्षक क्या अर्थ हुआ, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हन्ति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रमः। हाँ, जो अतिक्रमण करेगा उसका ऐसा, किसका अतिक्रमण, महत अतिक्रमण, महाजनों का जो अतिक्रमण करता है, श्रेयांसी सर्वाणी सभी जो श्रेय है, आयु श्रेय यश धर्म लोक आशीष वो सब नष्ट हो जाता है उस व्यक्ति के लिए।
तो इस प्रकार से ये प्रजल्प के विषय में कुछ ये थी। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। हैं, हाँ, उसके बारे में भक्तिवेदांत ठाकुर ने विशेष